यही क्वेश्चन था ना तोर सके आए, छ गो ऑब्जेक्टिव था, दू गो दू नंबरिया था और चार गो पांच नंबरिया था ना, बना लिया है सब? पिछला टेस्ट में ही दिया गया था क्वेश्चन, आपको जो है कॉपी मिलेगा कल है शनिवार को, ठीक है? और कल ही कॉपी मिल जाएगा, देखते हैं किसका कितना नंबर आ रहा है। इसे पायना के साथ रिजल्ट मिलेगा, अब वो कल बताएंगे, अभी डिसाइड नहीं किए ना। आ सुनो, एक क्वेश्चन को फिर से बनाया है सब, फिर से बनाया है सब, आए फिर से बना लेना, घर से बना के लाना, ठीक है? चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रमेय संख्या 24 देख रहे हैं, ठीक है? प्रमेय 24, 23 तक देख लिए थे ना, प्रमेय 24 पढ़िए, 21 का विलोम है, ठीक ना? चलिए, यदि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। याद कीजिए 21 में हम लोग पढ़े थे कि समांतर मतलब एगो चतुर्भुज दे लेता, याद कीजिए दे लेता एगो चतुर्भुज, और इसका जो है उसमें सिद्ध किए थे कि समांतर चतुर्भुज दे लेता ना, कैसे दे लेता? हमको सिद्ध करना था कथी कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध किए थे, यानी उसमें समांतर चतुर्भुज दे लेता और विकर्ण कथी करना था, समद्विभाजित साबित करना था, ठीक है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रहा है और चतुर्भुज देने के साथ कथी कर रहा है कि चतुर्भुज है और इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहा है, तो आप हमें साबित करके बताइए कि यह एगो समांतर चतुर्भुज होगा, यानी हम लोग को समांतर चतुर्भुज साबित करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साबित कर देंगे। हम लोग पहले एगो चतुर्भुज बनाइए, कथी बनाइए? चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज के जैसा ही बनाएंगे, ठीक है? ये हो गया, लिखेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है? इसका विकर्ण भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो विकर्ण भी मिला दीजिए, लीजिए मिला दिए, हाँ नाम दीजिए इसको ओ, ओ, ओ। लिखेंगे दिया है, ध्यान देते रहिए आप लोग, दिया है कि ए बी सी डी एक कथी है, अकलेल है साहब, चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज साबित करना, तो ए बी सी डी एक कथी चतुर्भुज है ना, जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण, ठीक है बुआ, विकर्ण ए सी और कथी ए सी और बी डी, रुक जाओ ताकि मत बोलो, ए सी और बी डी एक दूसरे को, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर, कौन बिंदु पर, कथी करता है, समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है, ठीक है? अर्थात इसके कहने का मतलब ओ ए बराबर कथी हो जाएगा ओ सी, ठीक है, तथा ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है, यही ना होगा? चलिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक कथी है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है ना, इसी समझ में आया तो लिखो, ऐसे संकेत में भी लिख सकते इसको, ठीक ना? एक कथी है, एक है ना, एक एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? आइए अब आगे प्रमाण, प्रमाण में क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज तथा त्रिभुज सी ओ डी में, दिख रहा है कहीं हाई में, और हाई में देख रहे हैं कि इसमें ओ ए है दिले, ओ ए दिले है, इसमें कथी दिले, ओ सी दिले, राइट? ई और ई क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी कह सकते कोण ए ओ बी है, ए ओ बी अर्थात ए ओ बी बराबर कौन का थी, सी ओ डी, ठीक है? ई दे रहे था, ये समूह कौन है ना, और फिर ओ बी बराबर का थी ओ डी, ये भी दे ले है, तो गौर से देखेंगे साइड एंगल त्रिभुज हो जाएगा का थी ए ओ बी सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज का थी के सी ओ डी के कथी से साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग
समता से सर्वांग से, ठीक है भाई हमको त्रिभुज सर्वांग सम साबित नहीं करना था। अच्छा से नहीं लिखे उसको, त्रिभुज सर्वांग सम हमको साबित नहीं करना था, हमको चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज साबित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे हम लोग, गौर से देखिए, ए में कोण ए ओ बी दिख रहा है कहीं से, ए सॉरी ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। चाहे ऐसे लिख सकते हो ओ बी ए, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दे ओ बी ए, ओ बी ए, यहाँ पे देखो ओ बी ए यानी ई वाला कोण। अब फिर इसमें जब ओ बी ए लिए हैं तो इसमें कर ले लेंगे ओ ओ डी सी, ओ डी सी ई वाला, ठीक है। ओ डी सी कौन, ओ डी सी कथी से, सी पी सी टी से, ठीक है, कोई दिक्कत आए। चलिए अब जो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग यहां तक उतारिए, तक कहीं से फोन आ रहा है, ठीक है, चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो तो साबित कर देते हैं फिर। अब देखिए ई लिए हैं तो अब हम लोग ई और ई लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा देर, बी ओ सी कथी लेंगे त्रिभुज, ध्यान दो नहीं लिखो, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी, आप कथी लेंगे ए ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ डी में। गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए, देले है कुछ ओ बी देले है, ओ बी आ इसमें कथी ओ डी देले कि नहीं, देखो गे ओ बी बराबर ओ डी ले लेंगे, दिया है मत लिखो, ध्यान दो भाई, फिर से देखो तो हुआ ई वाला कोण और ई वाला कोण हो जाएगा बराबर, यानी कह सकते बी ओ सी कोण का थी, बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, ये कथी होगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो जाएगा बुआ, बोलो नहीं बोला कुछ विद्यार्थी। और फिर गौर से देखो ओ सी देले है ओ डी के बराबर, देखो फिगर ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी बराबर ओ ए, ओ ए सॉरी ओ सी बराबर का थी ओ ए, ठीक है, नाम उल्टा सीधा लिख दिएगा ओ ए, नाम चेंज करेगा बी ओ सी, जस्ट मिनट ओ बी लिखे थे तो यहाँ ओ बी लिखे थे, अच्छा अच्छा इसमें डी ओ ए कर दो ना, अब हो जाएगा डी ओ ए, अब देखो ओ बी ओ डी, ठीक है, बी ओ सी डी ओ ए, डी ओ ए, यहाँ भी देखो डी ओ ए बात सेम है, यहाँ पे कथ लिए ओ सी लिए है, ओ सी तो यहाँ है ओ ए, अब ठीक है चले, तो त्रिभुज कथी हो गया बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज कथी के डी ओ ए के कथी से सी सॉरी साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तू सब भी ध्यान नहीं देता है सर्वांग समता से, ठीक है। फिर वही बात त्रिभुज सर्वांग समांतर तो संगत को संगत बुझा, गौर से देखो ई ई ना लिए थे, इसमें ई वाला और इसमें ई वाला हो जाएगा, यानी ई कौन का नाम कहते हैं ओ सी बी, कौन कह सकते हैं ओ सी बी बराबर कौन कह सकते हैं इसमें ओ डी ए अति से सी पी सी टी से, ठीक है। अब गौर से देखिए ई वाला कौन है ना, ई वाला के बराबर है ना, ई वाला कौन, ई वाला के बराबर है ना, आए आप लोग लिखा नहीं ना है, क्योंकि एक लाइन हम यहाँ पे काम छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिख देते हैं, तो गौर से देखिए, तो यहाँ से एकांतर कोण के प्रतिलोम से इधर लिख दे छूट गया, ठीक ना, एकांतर कोण है ना रे बुआ, ओ बी है, देखो कहाँ है ओबी, फिर कहते ओ डी सी, ये ना एकांतर कोण है, तो याद किए एकांतर को ऐसे ऐसे दिले रहता है और ई समांतर रहता है एकांतर कोण बराबर होता है, यदि समांतर नहीं रहता है तो एकांतर देखो समांतर नहीं रहता दिले तो एकांतर कोण दिले रहता है, तो एकांतर कोण प्रतिलोम से ही समांतर कर देते हैं, तो वही यहाँ पे एकांतर कोण हमको दिले है तो समांतर नहीं हो सकता है आमने वाला, मतलब सामने वाला, लिख सकते हैं एकांतर कोण कथी से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से या विलोम से, प्रतिलोम से कथी होगा हाई और हाई है ना, तो ई समांतर हो जाएगा, यानी कह सकते ए बी समांतर कथी, ए बी समांतर सी डी हो गया, उसी तरह से इसके बाद का लाइन है, उसी तरह से जब ई आ गया है तो कहाँ है देखो ओ सी बी, ओ सी बी 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 है ना, ओ सी बी यानी ई वाला, फिर यहाँ पे लिखे हैं ओ ए
डी ओ डी गलती से लिख दिए होंगे, देखे ई वाला कौन होगा, इसका नाम ओ ए डी होगा, देखो कौन से अरे यहाँ पे देखो ना ओ सी डी है, तो यहाँ पे क्या देखो ओ ए डी होगा, गलती से लिखा गया ओ ए होगा ओ ए डी, तो ये भी कहती है एकांतर कौन है, तो एकांतर कौन के प्रतिलोम से हाई और हाई समांतर हो जाएगा, लिख सकते हैं एकांतर कौन के, एकांतर कौन के कथी प्रति लोम से क्या हो जाएगा बीसी समांतर ए डी चाहे डी ए, देखो तो हाई हाई समांतर और हाई हाई समांतर सामने सामने वाला समांतर से समांतर से दुगुना हो गया, इसलिए ए बी सी डी ये कथी है पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, शॉर्ट में ऐसे भाषा लिख सकते हैं, ठीक है उतारिए। चलो ध्यान दो भाई इधर ध्यान दे, अरे ध्यान दो यार, कह रहा है परमेश्वर का 25 क्या कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर समांतर, यानी समांतर चतुर्भुज कब होगा जब एगो हम कथी देंगे मतलब सम्मुख भुजा का एगो युग्म जो है समांतर देंगे बराबर देंगे, यानी कहने का मतलब ये चतुर्भुज देले है दिल कथी है चतुर्भुज और आमने सामने का कोई एगो जोड़ा जो है आपको ले लेना है बराबर और समांतर, तब आपको सिद्ध कर देना कि समांतर चतुर्भुज होगा, तो बनाएंगे फिगर समांतर चतुर्भुज लिखा, ठीक है भाषा को समझना पड़ेगा दोस्त, भाषा त्रिभुज बना भी रे बनवा वो त्रिभुज मोछधारी बन रहा हुआ, अरे केने बन जा रहा भाई, चलिए नाम दे दे आए ए बी सी डी लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, भले उबला लिखल छोड़ देते ना, है ना जिसमें है बुआ जिसमें कोई एक युग्म दे ले है ना, तो मान लेते ई वाला दे ले ए बी बराबर है कथी के सी डी के तथा ए बी समांतर है सी डी, कोई दिक्कत तो सिद्ध करना है कथी भाई कि ए बी सी डी एक कथी होगा पैरेललोग्राम होगा ना, यानी समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है रे पैरेललोग्राम को ऐसे शब्द में लिखते हैं, ठीक है चलिए आइए रचना करेंगे थोड़ा सा, राइटिंग स्टॉप कीजिए, जो भी बच्चा लिख रहा है राइटिंग स्टॉप करो, लिखेंगे विकर्ण कथी ए सी को मिलाया, विकर्ण किसको मिलाया ए सी, ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा समझ में आया कुछ हो, दो त्रिभुज में बट गया आए अब प्रमाण में समझ गए त्रिभुज कथी में त्रिभुज, हाँ रे बुआ ध्यान दो रे त्रिभुज कथी में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में दिखा कहीं रे, कुछ विद्यार्थी जो है बात कर रहे हैं तो इसका इलाज भी कर देंगे हम डॉक्टर भी बन गए हैं पता है चला सके, हमको भी पता नहीं कि हम कब डॉक्टर बने से, इसलिए ध्यान देंगे तो इलाज भी कर देंगे, चलो ध्यान दो तो गौर से बुआ गौर से देखिए आपको दे ले कुछ ए बी बराबर कथी दे दिया है सी डी दे दिया है ये दे दिया आपको दिया है, ठीक है इतना कोई दिक्कत, और गौर से देखिएगा ये जब समांतर दे देते एकांतर कोण कथी होगा तो कह सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण, देखो यहाँ पे बी ए सी इसमें देखो बी ए सी इसमें कथी होगा डी सी ए कौन डी सी ए यानी ये वाला कौन होगा ना, इसका नाम देखो डी सी ए है कि नहीं, ए कथी होगा एकांतर अंत एकांतर अंत कोण है कि नहीं भाई आए, और साथ में गौर से देखिए बुआ ए सी कथी है उभयनिष्ठ है, इसमें भी ऐसी इसमें भी ऐसी कथी है उभय निष्ठ अर्थात कॉमन, तो त्रिभुज कथी हो गया साइड एंगल, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समूह त्रिभुज कथी के सी डी एक कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग
क्षमता से कोई दिक्कत भाई साहब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण संगत हो जाएगा होगा तो बस वही बात है ई वाला कोण हम लोग ले लेंगे इसमें और इसमें कौन सा ले लेंगे ई वाला इसका नाम क्या होगा बी सी ए ले लेंगे बी सी कोण बी सी ए इसमें लिया बी सी ए इसमें कर लेंगे डी ए सी कोण डी ए सी देखो क्या डी ए सी आ रहा है डी ए सी तो हाई और हाई एकांतर कोण दिख रहा है तुमको अरे एकांतर कोण दिख रहा है ना आई जो संगत कोण बराबर लिए हैं सीपीसीटी तो सीपीसीटी से होता है संगत कोण बराबर और गौर से देख रहा है की कथी है एकांतर कोण है ना और एकांतर कोण है तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से हई और हई कथी हो जाएगा बिल्कुल लिख सकते हैं एकांतर कोण की कथी से एकांतर कोण के एकांतर कोण की कथी प्रतिलोम से क्या हो जाएगा भाई साहब की कह सकते हैं बीसी समांतर कथी ए डी ठीक है अब देखो तो चूंकि कुछ दे ले है ले रहे ए बी समांतर कथी दे है ए बी समांतर कथी कर ले है देखो ना हाई हाई समांतर देखो ना ए बी और सी डी समांतर है और बी सी और ए डी समांतर आमने सामने समांतर से समांतर चित्र बना होगा इसलिए ए बी सी डी एक कथी है पहले लो हो गया चलिए टाइम है बचल देखो तो जरा चलिए अभी है समय उतारिए बिल्कुल उतारिए चलिए हो गया पिछला पर में आप लोग लिख लिए इसका हेडिंग बनाइएगा कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम ठीक है कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि आयत का विकर्ण होता है हम लिखा ले ऑलरेडी कि आयत का विकर्ण आपस में होता है समान लंबाई का होता है ऑलरेडी बता है आयत का और किसका वर्ग का ठीक है और आयत में प्रत्येक गुण कितना डिग्री का होता है वेरी गुड ये सब तो जानकारी होना चाहिए तू लोग को तो देखिए आयत के फिगर बनाएंगे हम लोग ठीक ना आयत में ना साबित करना है ठीक है चलिए देखिए नाम ए बी सी डी ए बी सी डी इसका विकर्ण मिला दो भाई चलो और इसका विकर्ण मिला दिए चलिए लिखेंगे दिया है ध्यान दीजिए दिया है जरा समय न लगेगा कि ए बी सी डी एक कथी है आयत है ना जिसमें ए सी तथा कथी बी डी दो विकर्ण चाहे विकर्ण है देख लीजिए कथी है विकर्ण है ना कथी है विकर्ण है तो सिद्ध करना है अरे वो में से को निकाल लो तू अरे वो में से को निकाल लो तू तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है ध्यान रखिए तू जाके बैठो पहले बैठो वहां पे पढ़ना है तुमको तो सिद्ध करना है कि दोनों कथी होगा बराबर यह ना सिद्ध करना हमको यानी ए सी बाब कथी होगा बी डी अपन काम नहीं करता है दूसरे में भाजी पाने चल जाता है प्रमाण समझिए शांति रहो यार कुछ ढंग से दिमाग तो लगाओ कोई आदमी दिमाग लगाता नहीं है अच्छा अच्छा चलिए ध्यान दीजिए आप सब ध्यान दीजिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कथी बी ए डी में हम लेते हैं कथी बी सी कथी लेंगे और बी सी लेंगे तो इसमें कथी होगा क्या यह समुखभुजा है ना भाई ई त्रिभुज लिए हैं वो ई त्रिभुज लिए हैं तो दोनों में ई वाला भुजा बराबर होगा समुखभुजा होने के कारण समुखभुजा होने के कारण और गौर से देखो तो ए बी सी कोण ए बी सी ए बी सी ए बी सी ई वाला कोण
इसमें एबीसी लिए हैं, इसमें करना है बी ए डी, बी ए डी, ये वाला कौन 90 डिग्री कारण हो जाएगा बराबर, बराबर कौन बी ए डी, कितना है कारण, ठीक है। और भाई साहब कुछ उभयनिष्ठ होगा ए बी, और बी ए चाहे का थी ए बी है कि ना, देखो ये वाला में देखो यहाँ पे इसमें भी ए बी है, इसमें भी कथी है, तो कर सकते हैं कथी उभय निष्ठ अर्थात कथी, तो त्रिभुज कथी होगा साइड एंगल, साइड एंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम हो गया त्रिभुज कथी के बी ए डी के कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते ना त्रिभुज के कसौटी के बारे में, मानदंड के बारे में, चलो वह में बहुत बच्चा से गलती लगा ले। अब त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया तो संगत कौन संगत बुझा, इसमें भाई साहब ले लेंगे एसी, एसी ले लिए, और एसी लिए इसमें कथी लेना पड़ेगा बीडी, क्या यही साबित करना था, सीपी सीडी से हो गया ना, ये ना दोनों विकर्ण ने साबित करना था रे, बराबर में आ गया, हो गया। तो आज भाई रहने दीजिए, अब कौन कौन स्कूल नहीं गया है, कहाँ कहाँ नहीं गया था हमें बताएगा, तो स्कूल तो स्कूल नहीं गया, निकालिए स्कूल जाएगा ना डेली, अब आए तभी ना, हाँ तू बैठ तू रे, डेली जाना है स्कूल, स्कूल डेली जाना है, ये कौन है भाई, इधर इधर चल, इधर 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 निकालो इसको बाहर बाहर निकालो, परीक्षा देने इसको 50 पे ना मानेंगे, परीक्षा देने निकला ना इधर, बुखार लगा था, बुखार लगा देते ठीक कर देते, बैठो 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 बैठो, बुखार लगा था ना कल से, बुखार ठीक कर देंगे, अब आवे ना परीक्षा देवे, परीक्षा देने आएगा ना, बुखार लग लगेगा तो मम्मी के कहेगा पापा का फोन करने के लिए, ठीक है ना, आएगा ना, आ गोली खेले रहा जो है, बुखार ना लगे छो, तार के पेड़ पर बैठे ला बुखार ना लगे छो, आए बकरी चरावे ला बुखार ना लगे छो, नहीं बकरी चरावे ला बुखार ना लगे छो, आ परीक्षा देने में बुखार लगे छो, क्वेश्चन मिलो तोरा, चल वहां से क्वेश्चन उठाओ, एगो क्वेश्चन उठाओ में से, वो है क्वेश्चन एगो, स्कूल सब जाएगा भाई, ठीक है, आए हाँ कौन है कौन है, अच्छा एक कैमरा घुमा देते ले लेना,